जिलाधीश कार्यालय परिसर में पिछले कई महीनों से शासकीय वाहन कबाड़ बनकर खड़े हैं। इन शासकीय वाहनों का कोई अधिकारी उपयोग नहीं कर रहा। परिसर में ये वाहन जगह 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 घेर कर खड़े हैं। इन वाहनों पर बहुत धूल चढ़ गई है। इसी तरह पिछले कई दिनों से परिसर की सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कलेक्टर परिसर में तहसील कार्यालय के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है। जिला अधिकारी कार्यालय में हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिन्हें इन कचरों व गंदगी के दर्शन हो रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कबाड़ हुए चार पहिया शासकीय वाहन खड़े हैं। बंद पड़े इन वाहनों पर धूल, मिट्टी व कचरा जमा हो गया है। किसी समय इन वाहनों का इस्तेमाल तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी करते थे। समय रहते इन वाहनों का निपटारा नहीं किया गया तो राजस्व में काफी घाटा हो सकता है। शासकीय वाहनों की यह दशा आने वालों को भी ठीक नहीं लग रही। इसी तरह परिसर में जगह जगह कचरे दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों से परिसर में सफाई नहीं हुई है, जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। कलेक्टरेट में तहसील कार्यालय के ठीक सामने जगह जगह कचरा पड़ा है। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस अकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी में टीचर्स 11, 12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CET के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी, जो है वानकर भवन दीक्षा भूमि, साउथ अंबाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9323554407 और 7218565939।